हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू गिफ्ट वर्ल्ड एक्सपो, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे स्टॉल पर जहां पर इस तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स काफ़ी मिल जाएंगे। और यहां पर आपको अगर इस तरह की बिज़नेस में आप हो या इस तरह की प्रोडक्ट की आपको नीड है या इस तरह की आप बिज़नेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? ठीक हो? सबसे पहले थैंक यू आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। एक्चुअली हमारी कंपनी का नाम HMI मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी, और इसकी सिस्टर कंपनी ट्रेंड के नाम से है जो दिल्ली बेस्ड है, और हम लोग फुल्ली मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, तो ये और हम लोग अब इंटरनेशनल मार्केट के अलावा हम लोग डोमेस्टिक में भी आ चुके हैं, चूँकि इंडिया मार्केट भी बहुत बढ़िया डेवलप हो चुका है पहले के मुकाबले से अब। ठीक है, तो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट आइटम बनता है जिसमें डेकोरेटिव आइटम, रेप्लिका, न्यूटिकल आइटम्स, मेरीन आइटम्स, ये सारी चीज़ें होती है हमारे यहाँ। हम लोग जो डील करते हैं मेटल, वुड, ग्लास, लगभग सभी चीज़ों में, इवन रेजिन के अंदर भी करते हैं हम लोग काम। और हम लोग लगभग सारे फेयर अटेंड करते हैं। ठीक है, और पहले के मुकाबले में अब हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस हमारा डोमेस्टिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो सर, ये आप मुरादाबाद से हो और मुरादाबाद वाले काफ़ी फेमस है हैंडीक्राफ्ट में, क्यों सर? हाँ, मुरादाबाद वाले फेमस चूँकि वहाँ के लोगों में टैलेंट है। अच्छा, वहाँ के लोग चूँकि इंडिया में हर चीज़ जो है जुगाड़ से होता है। ठीक है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं वहाँ के लोग। अच्छा, और जिस चीज़ों को करना चाहते हैं बहुत जद्दोजहद से करते हैं। अच्छा, और वो चाहते हैं कि जैसे पहले ज़माने में जर्मनी के अंदर हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत होता था। ठीक है, तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए इंडिया मार्केट में जो मुरादाबाद बेसिकली सिटी है वो पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पर और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा, और यही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, चाहे US हो, UK हो, चाइना, इवन चाइना को भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये वहाँ पर घर घर ये बिजनेस है मोस्टली 70% बिजनेस घर घर है। अच्छा, तो सर यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल भी है, देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा है, इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं क्वालिटी क्या रहती है? हाँ बिल्कुल, ये प्रोडक्ट है ही ऐसा, चूँकि हैंडमेड प्रोडक्ट है ये कम्प्लीटली, और हैंडमेड जो प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में एक अच्छा अनुभव भी देता है लोगों को, हर इंसान को, कि हाथ से कैसे बनाया होगा। चूँकि किसी भी चीज़ को कस्टमाइज करना और फिर उसको वहाँ तक पहुँचाना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दिखा दीजिए सर एक प्रोडक्ट। जैसे हम लोग पकड़ लेता हूँ, देखिए हम लोग जैसे ये दूरबीन, टेलीस्कोप है ये दूरबीन, तो हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ जी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये टेलीस्कोप है। अच्छा, और ये इंडिया में बेसिकली हम लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुरादाबाद जोन में शायद 2-3 करते हैं, जिसमें से HMI एक है। अच्छा, और HMI काफ़ी बल्क क्वांटिटी में टेलीस्कोप, कंपास, मेरीन आइटम, इवन रेप्लिका जो हम लोग बनाते हैं फर्नीचर में, फर्नीचर भी काफ़ी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर ये लंदन क्या है सर? ये एक लोगो कैल्विन एंड हजेज लिखा हुआ है, ये लंदन, ये लोगो वैसे लगा देते हैं खूबसूरती के लिए। अच्छा अच्छा, मैंने किसी की डिमांड नहीं है तो लोगों को लगे कि भाई हॉलीवुड मूवी से आया हुआ है, और कुछ नहीं है बस। अच्छा, ये इस तरह की जी, ये टेलीस्कोप है। अच्छा, ये बैनॉक्स जो आपने उठाया हुआ, ये बैनॉक्स है। अच्छा, वर्क इसका मतलब करता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे आप 100 मीटर तक देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और टेलीस्कोप जो होता है, टेलीस्कोप अलग अलग वेराइटीज़ में हमारे पास, 1 मीटर जिसको फ्लोर मॉडल बोलते हैं हम, वो हमारा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक हम उसको देख सकते हैं। अच्छा, है ना। और यहाँ पर सर इसके बारे में, ये जो है आपके पास ग्लोब है, काफी खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में हर चीज़, यहाँ ये ग्लोब जो है
ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना मेन काम होता है, देखिए डिज़ाइनर ये नहीं कि वो कहीं से उठा रहा है, वो अपने दिमाग से, मान लीजिए सपोज आज की तारीख में ये स्टेट है, हम चाहेंगे नहीं दूसरा डिज़ाइन बनाना है, तो एक दिन में हैंडीक्राफ्ट वाले क्या करते हैं, कम से कम 10-20 डिज़ाइन ऑटोमेटिक मतलब वो डिज़ाइन कर देते हैं। ये सारे हैंड से है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग, चूँकि आप दुनिया फास्ट हो गई है तो कुछ चीज़ें हम लोग मशीनिंग का भी काम करते हैं इसमें, है ना, जो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है इसका, ये इतना आसान नहीं होता है, देखने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है। एक एक चीज़ को कास्ट करना, रॉ मटेरियल खरीदना, कास्ट करना, फिर उसको पॉलिश, प्लेटिंग, है ना, फिटिंग, फिर आइटम पैकेजिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, ख़ास करके हमारी जो HMI कंपनी है वो बहुत ध्यान रखती है, और हम लोगों को ख़ास इंस्ट्रक्शन है हमारे ऑनर के थ्रू से कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाए वो ड्यूरेबल हो, अच्छा हो, तो चूँकि तभी हमारा मार्केट सही चलेगा। क्या एक प्राइसिंग की बात करें, एक जैसे बहुत देखे, हाँ देखिए हैंडीक्राफ्ट की कोई प्राइसिंग नहीं होती है, हैंडीक्राफ्ट जो है ना वो अनमोल है, क्योंकि मेहनत लगी हुई है, मेहनत लगी हुई है, एक एक पेज अगर एक रुपये का है तो इसको लगाने में 10-10, 15-15, 20-20 रुपये लग जाते हैं, चूँकि वहाँ से उतने दूरी पे सुराख करना, चूड़ी काटना, थ्रेडिंग करना, फिर फिटिंग है, पॉलिशिंग है, और इसमें पीस ख़राब भी होते हैं बहुत नुकसान, लेकिन फिर भी उसको देखते हैं मज़ा भी बहुत आता है। कला की कीमत, कला की कीमत है, कला है, कलाकार बैठे हुए हैं, करते हैं इस काम को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, जैसे होम डेकोरेशन के लिए ये सभी काफी हाँ, इस्तेमाल करते हैं। मुरादाबाद का आइटम देखिए दुनिया में लगभग लगभग हर जगह पहुँच चुका है। अच्छा, हर जगह, हर कंट्री में, मतलब चाइना को भी हम कर रहे हैं। अब आप सोचिए चाइना जो हमारे से इतना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, हम तो कहीं भी नहीं लगते, इसके बाद भी हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंडिया के लिए। मुरादाबाद का प्रोडक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल फेमस है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम चाइना को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर हॉलीवुड मूवीज में आप देखते होंगे इस तरह के एंटीक आइटम हमारे बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एंटीक बेस्ड ही है, मेनली एंटीक बेस्ड है, फिर हमने धीरे धीरे थोड़ा सा कस्टमाइज किया, फिर उसको और अच्छा लुक देने की कोशिश किया हुआ है, और करते ही रहते हैं डे बाय डे, हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं हम लोग। और भी कुछ प्रोडक्ट दिखा सकते, बहुत फर्नीचर वगैरह हमारा काफ़ी है, जैसे आवर ग्लास है, ये अच्छा। पुराने ज़माने का था ये, है ना, लैंप है, पुराने ज़माने के, ये आपको रेडियो मिल जाएंगे, इसके बाद ये वायरलेस है, ठीक है ना, वॉल डेकोर मिल जाएंगे आपको, काफ़ी घड़ियाँ वगैरह, चूँकि हमारे HMI जो है स्पेशली जो है न्यूटिकल और क्लॉक्स में और फर्नीचर में भी, तीनों चीज़ में बहुत बढ़िया डिफरेंस है। और यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये टाइटैनिक जहाज जी, इसका रेप्लिका हमने 2003 में हमारे बॉस लेके आए थे एक छोटा सा, और टाइटैनिक और उससे हमने इसको शायद हिंदुस्तान में मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ, HMI ने फर्स्ट टाइम इसको बनाया था। अच्छा जी, टाइटैनिक को फर्स्ट टाइम HMI ने ही डेवलप किया, और हमने बहुत बेचा। तो ये तो है कि सर यहाँ पर आपको इसी के चक्कर देखा, टाइटैनिक कॉन्सोल भी है हमारे पास, टाइटैनिक सेंटर टेबल है, मतलब हमारे पास बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बहुत चीज़ें। तो ये तो है कि सर यहाँ पर यूनिक आइटम्स मिलने वाले हैं, अगर कोई ये सेंटर टेबल है, हाँ जी, अब देखिए कितना यूनिक आइटम है, इसको एक लुक दिया गया है कि लोग इसको, चूँकि टाइटैनिक अपने आप में एक ब्रांड था, ठीक है, तो उसको हमने टेबल के रूप में हमने दे दिया है, सेंटर टेबल, साइड टेबल, है ना, डेकोरेटिव में भी यूज़ किया हमने, एक ही चीज़ को कई जगह यूज़ कर लिया हमने, ये सब चीज़ें होती रहती है। ये तो है कि अगर जिनको मूवी बनाने के लिए सेटअप बनवाना हो वो भी यहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ स्पॉटलाइट, बिल्कुल स्पॉटलाइट देखिए हमारे यहाँ, ये देखिए हम लोग स्पॉटलाइट भी करते हैं, बहुत और बहुत अच्छी अच्छी रेंज होती है स्पॉटलाइट की, और फिल्मी दुनिया में भी हमारे यहाँ हेलमेट भी हमने अभी नहीं रखा हुआ है,
चूँकि जगह छोटी है तो इस वजह से नहीं रखा हुआ, लेकिन हम लोग ये सब भी कर दिए गए। टाइटेनिक का एक आइटम और भी है हमारे पास, देखिए टेलीग्राफ टेबल लोग काफ़ी पसंद करेंगे। अब आपके पास जैसे जोडियक होते हैं, हमने कोशिश किया जोडियक बनाने की, जोडियक ये है, ये लियो लियो है ना, 12 है ना उसमें, तो 12 में हम इस बार 3 ही बना पाए हैं। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार हम 12 के 12 रेंज खड़ी करेंगे इसका जोडियक का। तो सर जैसे ये सब जो आप बनाते हैं, मैक्सिमम किस तरह के मेटल्स आप यूज़ करते हैं? ये देखिए मेटल इसमें सभी तरह के यूज़ करते हैं हम, उसमें ब्रास, आयरन, एल्युमिनियम, स्टील, ठीक है, ये सब सारे मेटल यूज़ करते हैं। तो ये कस्टमाइजेबल भी होता है कि अगर किसी को कस्टमर को एक रिक्वायरमेंट है इस तरह के डिज़ाइन की तो आप कस्टमाइज करते हैं? देखिए एक एक्सपोर्टर के लिए बहुत भारी होता है एक पीस दो पीस बनाना, लेकिन चूँकि अब इंडिया में लोग इस तरफ रुझान करते जा रहे हैं तो वैसा माइंड हम लोग भी बनाते जा रहे हैं कि हम भी अपने आप को उसी तरह से ढालना है। अच्छा। 2 पीस 4 पीस 10 पीस जो भी है, और हम तो चाहते हैं कि भाई इंडिया में भी ये बहुत, चूँकि हमारे यहाँ भी लोग बहुत पसंद करने लगे, पहले लोगों को पता नहीं होता था कि हैंडीक्राफ्ट आइटम है क्या। जब हम लोग भी छोटे छोटे थे तो हम लोग सुना करते थे कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन बाद में यही चीज़ जब ऑनलाइन हुआ तो लोगों के बीच ये बातें पहुँची, हर आइटम पहुँचने लगे, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा, चूँकि एक नई चीज़ है हमारे देश के लिए, चूँकि जो इस एरिया के हैं उसके लिए तो ठीक है ये वो चीज़ है, लेकिन जब आप पूरब साइड जाएंगे, दक्षिण साइड जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत अनोखी चीज़ है और होनी भी चाहिए, चूँकि इसमें मेहनत बहुत है और इस काम को करने में मज़ा भी बहुत है और जो ख़रीदते हैं उनको भी बहुत मज़ा आता है। तो मेनली आप एक्सपोर्ट में हैं, बी टू बी बिजनेस की बात करें अगर इंडिया में, तो किस तरह से आप करते हैं? बिल्कुल बी टू बी बिजनेस ही मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अब इंडिया में भी इस बिज़नेस को डेवलप किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है, तो हम इसी वजह से इस फेयर को भी अटेंड कर रहे हैं, मतलब प्रगति मैदान, ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए है, हमने इसी वजह से किया हुआ क्या है ताकि यहाँ पर क्या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सामने से, आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कर रहे हैं या नहीं? हम लोग डीलर के लिए करते हैं। अच्छा। ठीक है, और कंज्यूमर के लिए हमारा ऑनलाइन है ट्रेंडेक। तो ये है कि आप यहाँ पर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाह रहे हैं, तो अगर कोई आपकी ये प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हैं, तो उनका वेलकम? उनका बिल्कुल वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। हम तो चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान इस काम में और आगे बढ़े, चूँकि जब दुनिया बेच रही है तो यहाँ क्यों नहीं। अच्छा, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा बी टू बी क्राइटेरिया? मतलब मिनिमम देखिए जो ऑर्डर होना चाहिए, मतलब हर आइटम का हम एक शुरुआत करते हैं 10 से 15 पीस हर आइटम का लें वो, मतलब ये नहीं कि सारे आइटम, चूँकि हजारों आइटम हैं, मान लीजिए सपोज ग्लोब है, ग्लोब के हमारे पास कम से कम 400-500 वैरायटी है, टेलीस्कोप कम से कम 250 वैरायटी है, घड़ियाँ कम से कम 150-200 वैरायटी है। हमारी घड़ियाँ आपको ताजुब होगा कि अमेरिका के जो सबसे बड़े बायर हैं उनको हम दे रहे हैं। अच्छा। अपनी घड़ी तो ये है कि क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो तो ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करें, फिर वहाँ पर आपके काउंसलिंग हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो या प्रोडक्ट लेना हो आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और हमने तो इसलिए यहाँ फैलाने के लिए इस आइटम को हमारा सिस्टर खोला हुआ है वो कंपनी ट्रेंडेक के नाम से। अच्छा। ठीक है, तो सर उसमें भी ठीक ठाक लोग परचेज कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए है ताकि लोगों को डायरेक्ट वो पहुंचे। अच्छा। और डायरेक्टली कंज्यूमर अगर कांटेक्ट करना चाहिए या इस तरह की प्रोडक्ट लेना चाहिए तो कैसे कर ले सकते हैं? हाँ, हमारा वेबसाइट है ना, उस पर आके ऑर्डर कर सकते हैं। अभी आप शो कर सकते हैं, कार्ड शो कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर की सिस्टर कंपनी है ये। अच्छा। है ना, तो इस पे ऑनलाइन इसीलिए डाला गया ताकि लोग भी इस चीज़ को लोगों तक पहुँचे, और वो इस जब तक आप लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है, और लोगों तक पहुँचाने का मकसद है कि लोग इस बिजनेस में आए।
तो ये रहा कंपनी का वेबसाइट, यहाँ पर सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अगर आप इस तरह की बिजनेस में इंटरेस्टेड है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप डायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और सर, एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? आप इस प्रोडक्ट को देखें, समझें और इंजॉय करें इस प्रोडक्ट के साथ। चलिए चलिए सर, थैंक यू बात करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।